माँ दंतेश्वरी के दरबार में शारदीय नवरात्रि और धूमधाम से मनाई जा रही है। नवरात्र को लेकर जिला प्रशासन और टेंपल कमेटी ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मंदिर के पास एक सुंदर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसे लेकर दंतेवाड़ा के एसडीएम जयंत नाहटा ने बताया कि मंदिर गलियारे और रिवर फ्रंट के पूरा होने के बाद ये पहली नवरात्रि है। तंबू, पंडाल, संगीत और ध्वनि प्रणाली स्थापित की गई है। गलियारे की पूरी लंबाई में 17 सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले भक्तों के लिए हमने घाटों का उद्घाटन करने और आरती आयोजित करने की योजना बनाई है। मंदिर समिति की पिछली बैठक में मां दंतेश्वरी के डिजाइन वाले चांदी के सिक्के बनाने का निर्णय लिया गया था। सिक्के को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस पर मंदिर समिति के सदस्यों के बीच आम सहमति है। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि ये सिक्के नवरात्रि के दौरान लॉन्च किए जा सकें। इस बार जो मंदिर का जो अभी हमने नया रिवर फ्रंट डेवलप किया है और जो कॉरिडोर नया बना है, उसके बाद ये पहली नवरात्रि है यहाँ पे, तो उसके लिए काफी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरा 10-20 की व्यवस्था, पंडाल, माइक, साउंड सिस्टम, ये सब का बहुत अच्छे से व्यवस्था चल रही है, प्रगतिरत है और ऑलमोस्ट कम्प्लीशन की स्टेज पे। इसके अलावा श्रद्धालु क्योंकि दूर दूर से आते हैं, जगदलपुर से आते हैं, किरंदुल साइड से आते हैं, तो पूरे इस पूरे मार्ग में अलग अलग जगह हमने श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए सुविधा केंद्र बनाए हैं। जो 17 सुविधा केंद्र हैं वो ऑलमोस्ट उसका टेंट का भी काम कंप्लीट हो चुका है। वहां पे श्रद्धालुओं के लिए बैठने और आराम करने की भी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा हम घाट की भी थोड़ी इस बार व्यवस्था कर रहे हैं कि घाट का भी इनॉग्रेशन अच्छे से हो। शायद पंचमी के दिन हम इस पे घाट का इनॉग्रेशन और थोड़ी आरती करेंगे। ये अभी तक व्यवस्था है। जो पिछली मंदिर समिति की बैठक थी 5 सितंबर के आसपास हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि हम चांदी के सिक्के माई जी के बनाएंगे, जिससे जो भी श्रद्धालु आते हैं या मंदिर में आते हैं उन लोगों के लिए एक यादगार चीज भी रहेगी और उनके लिए पूजा करने का भी एक वो रहेगा और माँ दंतेश्वरी का इसमें और प्रचलन बढ़ेगा अलग अलग क्षेत्र में। तो इसपे अभी हमने पूरा इसका डिजाइन और फाइनलाइज कर लिया है। समिति के सदस्यों में भी इसके ऊपर सहमति बन चुकी है और हमने सोनार लोगों से भी एक मीटिंग कर ली। अभी इस सिक्के बनने के लिए दिए हुए हैं, थोड़ा समय लगेगा, हम कोशिश करेंगे नवरात्रि के समय तक कुछ सिक्के बन जाए, परंतु नहीं बनेंगे तब भी एक आधा महीने के अंदर पक्का इस पे सिक्के आ जाएंगे, हमेशा उपलब्ध रहेगा। और हम ये कर रहे हैं कि वहां पे मंदिर के अंदर ही लोग जब दर्शन करेंगे उसके बाद मंदिर के ऑफिस से ये सिक्के पेमेंट के पश्चात ये इशू कर पाएंगे।